गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल मेरी यूट्यूब की फैमिली। गाइस कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो गाइस आज का ये वीडियो छोटा सा है, बहुत प्यारा है वीडियो, और आज आपको मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ हमारे घर पे चिड़िया ने बनाए थे इतना बड़ा घोंसला, छोटा सा, मतलब आप लोग देखेंगे तो आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। बहुत प्यारा सा घोंसला था, घोंसले में फिर आए अंडे, अंडे के बाद हुए उसमें छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्यूट से तीन बच्चे, और वो तीन बच्चे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ पूरी वीडियो में। अब आप, हम लोग चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, वीडियो देखते हैं और मैं आपसे मिलता हूँ वीडियो के एंड में। तो दोस्तों ये देखिए, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये है डे वन जब चिड़िया ने घोंसला बनाया। मैं भी हैरान हो गया, इतना प्यारा घोंसला। और नेक्स्ट डे चिड़िया ने इसमें दिए अंडे, जो कि आज आपको इसमें दो अंडे दिखेंगे और नेक्स्ट डे इसमें टोटल तीन अंडे हो गए थे। तो गाइज ये है डे टू जब चिड़िया उड़कर आई, और इसने पहले चेक किया कि मेरे तीनों अंडे सेफ हैं या नहीं हैं। तो जैसे ही उसने देखा मेरे तीनों अंडे सेफ हैं, तो वो उन अंडों के पास बैठ गई घोंसले में, पूरा प्रॉपर अपने आप को देखिए फिट कर रही है, और फिट करने के बाद वो अंडों को सेकने लगी है। और इसको जैसे ही किसी की हलचल हुई और ये चिड़िया फटाक से उड़ गई। गाइस आज फाइनली एक छोटा सा बेबी मुझे दिख रहा है, इसमें आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए गाइस, एक अंडे के बाद दूसरा अंडे से भी बच्चा आ गया, और ये बहुत तंदुरुस्त हैं, बहुत रिलैक्स होके अभी सो रहे हैं, इनको कुछ नहीं पता दुनिया का, ये देख रहे हैं आप लोग। गाइज रियली आई एम सो एक्साइटेड, आज देखिए तीनों बच्चे आ गए हैं, देखिए तीनों अंडे से बच्चे आ गए गाइज। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। अभी इनकी माँ जस्ट गई थी, मुझे फील हो रहा था कि आज शायद इसमें तीनों बच्चे हो गए होंगे, तो मैं जैसे ही आया तो मैंने देखा तीन बच्चे हो गए। ये देखिए देखिए गाइस कितने प्यारे लग रहे हैं बच्चे, बड़े हो गए। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, ये देखिए कितने बड़े प्यारे। ये देखिए गाइस बच्चों की आंखें खुल चुकी हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं ये छोटे छोटे। आईज खुल गई, कितनी प्यारी लग रही है छोटी छोटी सी आईज। तीन बच्चे हैं, बहुत क्यूट हैं, बहुत क्यूट हैं। मैं अभी इनको, तो ये देखिए गाइस थोड़ी देर में चिड़िया आने वाली है, मैंने कैमरा सेट करके रखा हुआ था बहुत देर से। ये देखिए चिड़िया आई, जैसे ही चिड़िया आई उसने अपने बच्चों को तुरंत खाना खिलाना शुरू कर दिया। तीनों बच्चे बेचारे सुबह से भूखे बैठे हुए थे कि मेरी माँ कब आएगी, खाना कब खिलाएगी, और तीनों बच्चे मुँह खोल के बैठ गए, और बस फिर क्या था, अब माँ इनको धीरे धीरे स्लोली स्लोली अपने मुँह से खाना निकाल के खिला रही है। गाइस बहुत मेहनत लगी लिटरली मुझे ये वीडियो बनाने में, ये देखिए फिर से उड़ गई वो। तो गाइस फाइनली इतने दिन से जो इस घोंसले में बच्चे थे, आज वो बड़े हो गए हैं। जो इतने दिन से मैं वीडियो बना रहा था, आप लोगों को दिखा रहा था अंडे, फिर अंडे से एक बच्चा, फिर दो बच्चे, फिर तीन बच्चे, फाइनली आज वो बड़े हो गए हैं। और ये देखिए आज वो बड़े होके ये पेड़ पे बैठे हैं, ये देखिए आज वो सब यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत प्यारे लग। ये देखिए गाइस आज बुलबुल का बच्चा एक हमारे घर पे ही था, तो इसको मैंने पकड़ लिया। एक्चुअली ये नीचे कमरे में घूम रहा था, तो उसके कपड़े की बदौलत मैंने इसको पकड़ा है, मुझे देख रहा है। एक्चुअली डर बहुत रहा है क्योंकि फर्स्ट टाइम किसी के हाथ में आया है ये, आप लोग देख रहे होंगे कितना प्यारा है ये, कितना प्यारा, बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है। चलिए गाइस इसको मैं रख देता हूँ।
इसको मैंने रख दिया है। देखिए अपनी माँ को बुला रहा है। अब ये देखो गाइस, एक बच्चा ये बैठा है अपने घोंसले में, इसको मैंने अभी अभी बिठाया है, और एक बच्चा शैतान यहाँ पे बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है। तो गाइस आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बुलबुल का और उसके छोटे छोटे बच्चों का देख के आप लोगों ने पूरी कहानी देखी। आप लोगों ने इवन जब उसने दो अंडे दिए, फिर तीन अंडे दिए, फिर कुछ दिन बाद बच्चे आए, और फिर वो धीरे धीरे बड़े हुए, धीरे धीरे उनके पंख आए, तो जितना मज़ा आप लोगों को आया उतना ही मज़ा मुझे आया वीडियो बनाने में। बहुत समय लगा वीडियो बनाने में। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कहते हैं घर पे अगर बुलबुल अपना घोंसला बनाती है तो कैसा होता है, तो मैं आप लोगों को बता दूँ, घर पे अगर कोई भी चिड़िया घोंसला बनाती है तो बहुत शुभ माना जाता है। बुलबुल का घोंसला गाइस घर में शुभ संकेत लेकर आता है, बहुत अच्छा होता है। अगर आपके घर पे कोई चिड़िया घोंसला बना रही है उसको सपोर्ट करें, ख़राब मत करें चिड़िया के घोंसले को। फ़िलहाल मैंने भी बहुत केयर करी थी जब इस चिड़िया ने घोंसला बनाया था, क्योंकि बहुत बारिश, बहुत आंधी तूफान भी आया, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें करी उसके लिए। अगर आपके घर में भी कोई छोटी सी चिड़िया अगर घोंसला बनाती है तो उसका आदर करें, और समझें कि अब आपके घर में अच्छी खबरें, अच्छी गुड न्यूज़ आने वाली है, शुभ संकेत मान के चलिए इसको। तो गाइस ये वाला वीडियो अब यहीं ख़त्म करते हैं, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में जो कि बहुत अच्छी होने वाली है। तब तक के लिए जय श्री राधे। गुडी पोस्ट हो जाएगा आज, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राधे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।